होल्डिंग डिवाइस की कैटेगरी में हम आज पढ़ेंगे वी ब्लॉक्स को। और वी ब्लॉक्स क्या होता है आप देख लीजिए, पहले ये है वो वी ब्लॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये भी मशीन शॉप में बहुत एक महत्वपूर्ण टूल है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, लगभग सभी ट्रेड के, इंजीनियरिंग ट्रेड के लोग बाग इसको प्रयोग करते हैं। तो हम इसके बारे में आज समझने वाले हैं। इसको कहते हैं वी ब्लॉक। वी का नाम से क्या मतलब है, इसमें कोई वी शेप की कोई चीज़ होगी, कोई आकृति वी शेप की बनी होगी, वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये वी शेप की इसमें आकृति होती है, सब में होती है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब होता है कोई घनाभ या घन जैसा कोई आकृति, या तो घनाभ जैसी या कोई घन जैसी आकृति। ये तो समझ में आ रही है आपको बात। तो आप इसको देखेंगे, ये एक घनाभ जैसी आकृति नहीं दिखाई दे रही आपको, इसलिए हमने इस डिवाइस का नाम वी ब्लॉक रख दिया। वी इसलिए क्योंकि इसमें एक वी ग्रूव बना होगा जरूर, और ब्लॉक इसलिए क्योंकि ये एक ब्लॉक में से मशीन करके बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके यूजेस देख लेते हैं, इसके यूज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सारी होल्डिंग डिवाइस होती हैं, उनके यूज होते हैं होल्ड करना और सपोर्ट करना। किसी जॉब को सपोर्ट करना मतलब उसके ऊपर रख दिया, सपोर्ट कर दिया, और होल्ड करना मतलब उसको जकड़ भी दिया, पकड़ भी लिया। ये दोनों ही काम कर देती है। तो यूज क्या हो जाएगा, होल्ड करना और सपोर्ट करना। किन आकृतियों को, अब बात ये आई, होल्ड और सपोर्ट ये हर तरीके की आकृति को नहीं करेगा ना, किस तरीके की आकृति को करेगा, ये करेगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, ठीक है। दूसरा स्क्वायर, वर्गाकार, ठीक है, और या फिर रेक्टेंगुलर, आयताकार। इस तरह की आकृतियों को जो भी जॉब ऐसे बने होंगे उनको ये सपोर्ट भी कर देगा और होल्ड भी कर देगा। आयतकार की मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मान लीजिए ये एक आयतकार आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये अगर कोई बार होता यानी कि सॉलिड होता या खोखला होता, पाइप होता, इस तरीके के पाइप भी आते हैं, और इसके ऊपर आपको कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना है तो इसको होल्ड करना पड़ेगा ना, तब कुछ खास जगह पे हमारा वी ब्लॉक काम आता है। इसी तरह वर्गाकार, वर्गाकार आकृति का भी पाइप या कोई सॉलिड बार हो सकता है, और बेलनकार आकृति का भी कोई ठोस सरिया या फिर उसको पाइप भी हो सकता है। इस तरीके की आकृतियों को जब हमें सपोर्ट करना होता है और होल्ड करना होता है, तब हमारा वी ब्लॉक बहुत काम आ जाता है। और इस वी ब्लॉक हम यूज क्यों करते हैं, हम उस समय करना चाह रहे होंगे या तो मार्किंग और या फिर कोई मशीनिंग करना चाह रहे होंगे उसके ऊपर, उस जॉब के ऊपर, या वर्क पीस कह लो, दोनों एक ही बात होती है। उस वर्क पीस के ऊपर या तो हम कोई मार्किंग करना चाह रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि जिस समय हम मार्किंग कर रहे हो तो ये जॉब हिले ना, अपनी जगह पकड़ा रहे, सपोर्टेड रहे, तब हमें वी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली वी ब्लॉक ही होता है, बेंच वाइज भी होती है। कल जो हमने एंगल प्लेट पढ़ी है वो भी यही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग जॉब, अलग अलग ऑपरेशन, परिस्थितियों के हिसाब से हम चूज करते हैं कौन सी डिवाइस हमारे लिए बेस्ट सुटेबल होगी, जो जल्दी काम कर दे और अच्छा काम कर दे। तो कुछ परिस्थितियों में वी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये भी आपको हर इंडस्ट्री में आमतौर पर मिलेंगे, वी ब्लॉक मिलते हैं आपको। या तो मार्किंग कर रहे होंगे, और या कोई मशीनिंग ऑपरेशन जैसे आरी चलाना होगा उसके ऊपर, या फाइलिंग करनी होगी, या ड्रिलिंग करनी होगी, या मिलिंग कटर से उसके फेस को प्लेन करना होगा, इस तरीके की कोई भी हम ऑपरेशन कर रहे होंगे, या तो मार्किंग या मशीनिंग के लिए उस वर्क पीस को सेटअप कहते हैं, टेबल के ऊपर उसको सीधा करना है, क्योंकि ड्रिल सीधा आएगा ना नीचे भाई, तो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए तभी तो, वरना ड्रिल टेढ़ा नहीं हो जाएगा, वो छिद्र टेढ़ा नहीं हो जाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो हमें नीचे का जो आधार है वो बिल्कुल उसमें ना जॉब हिलना चाहिए और पोजीशन में होना चाहिए, उसको कहते हैं वर्क पीस को सेटअप करना मशीनिंग के लिए। इसीलिए हर मशीन में एक बेड प्लेट होती है, उस बेड प्लेट पर ये वी ब्लॉक रखा जाएगा, और इसके ऊपर हम होल्ड करेंगे क्या, आपका जॉब या वर्क पीस। ये बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो यूजेस हमने इसके देख लिए, कहाँ कहाँ ये प्रयोग होने वाला है। अब बात करते हैं इसके मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की, मतलब किस धातु से ये बना हुआ है, उसको ज़्यादा लंबा ना लिखने से मैं लिख देता हूँ MOC, मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस सामग्री का ये बना होगा। जब हमने होल्डिंग डिवाइस का ये चैप्टर शुरू किया था, एक इंट्रोडक्टरी मैंने उसका सबसे पहला लेक्चर आपको बताया था, तो मैं बताया था लगभग सभी होल्डिंग डिवाइस फाइन ग्रेन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन मतलब ढलवालों का, और इसको हम क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन भी कहते हैं, इसकी बनी हुई होती है। ये दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, और कभी कभी किताबों में इसको ग्रेनुलर कास्ट आयरन या स्फेरॉइडल कास्ट आयरन लिखा होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो यही है, मतलब कास्ट आयरन है लेकिन अच्छी क्वालिटी का कास्ट आयरन है, जिसमें ग्रेन जो करीब करीब बने हैं और छोटे बने हैं, बड़े बड़े नहीं बने हैं, तो उसको ठंडा करने की दर को हमने कंट्रोल कर रखा है, यही बताया था ना उस दिन मैंने आपको। एक तो ये हो सकता है इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, और दूसरा हो सकता है हाई क्वालिटी स्टील, आमतौर पर जो अच्छी ग्रेड के, जिसको ग्रेड ए कहेंगे, आगे जाके उसके बारे में समझेंगे, ग्रेड ए के जो आपके वी ब्लॉक हैं
और छोटे बनते हैं वो, ज़्यादा बड़े नहीं होते, 4 इंच तक यानी कि 100 mm तक बनते हैं, हाई क्वालिटी स्टील के बनाते हैं उनको। और जो बड़े वी ब्लॉक हैं उनको हम फाइन ग्रेन कास्ट आयरन या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या ग्रेनुलर कास्ट आयरन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, उसके बनाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? तो अब मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता दूँ, उसके लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा डायग्राम। ये हमारा एक वी ब्लॉक का डायग्राम है और ये लगभग ऐसे रखा हुआ है। इसमें एक स्लॉट बना हुआ है, मेरे डायग्राम में 2 स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है, एक स्लॉट वाला भी हो सकता है ये। तो जरा इसके बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में समझ लें। यहाँ पर एक ये ऐसा होता है, ओके। तो इसके पार्ट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टॉप फेस। ऊपर का एक सरफेस है तो उसको सरफेस में फेस लगा है ना, टॉप फेस, टॉप सरफेस, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो ये वाली दोनों साइडें हैं इसको कहते हैं साइड फेस, ऑलराइट, गुड। और ये जो आमने और पीछे की सरफेस है इसको क्या कहेंगे, एंड फेस। और जितना लंबा ये ग्रूव है यानी कि ये वाली जो डायमेंशन है आपकी, इसको हम कहते हैं वी ब्लॉक की लेंथ। अब ये एक घनाभ शेप का है तो इसको ब्लॉक कहा, इसमें वी शेप का एक ग्रूव बना हुआ है तो इसको वी ब्लॉक कहा। कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें, ये बात समझ आ रही है? ये जो आपका वी ब्लॉक है ये थोड़ा मेरे से 90 डिग्री का नहीं बना, ऐसे होगा ये, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा बेटा, हर वी ब्लॉक में ये 90 डिग्री का होगा और बहुत एक्यूरेटली मशीन करा हुआ, यानी कि 90 डिग्री में कुछ सेकंड्स का और मिनट्स का फर्क हो सकता है, डिग्रियों में फर्क नहीं होगा। इसकी ये फेस, ये सारी फेसेस जितनी भी है, नीचे वाली फेस भी, ये सब बहुत फाइन मशीन फिनिश के साथ की जाती है, मतलब एक्यूरेटली मशीन की जाती है। ये एक प्रिसीजन, जितने भी ये होल्डिंग डिवाइस है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मशीन शॉप में ज़्यादा प्रयोग होते हैं और मशीन शॉप में हमें बहुत एक्यूरेट काम करना पड़ रहा होता है, माइक्रोन्स में काम करना पड़ रहा होता है, तो इनकी मशीनिंग बहुत हाई एक्यूरेसी की करी गई। ग्रूव मतलब झिर्री, ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये ग्रूव दिखाई दे रहे हैं बेटा? यस सर। एक बड़ा वी ब्लॉक भी ले लेते हैं, ये जैसे बड़ा वी ब्लॉक है इसमें भी ये ग्रूव, और इस ग्रूव का काम क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। इस ग्रूव में आके यहाँ पर आएगा एक यू क्लैंप, ये होता है वो यू क्लैंप। अब जैसे इस छोटे वाले के लिए छोटा यू क्लैंप, ये ऐसे साइड से निकल जाता है, इसके अंदर ऐसे फिट हो जाता है, आपको ये दिख रहा है? अब ध्यान से सोचो, इसके अंदर कोई गोल या कोई आयताकार या कोई वर्गाकार जॉब है और हमने इसको यहाँ पर टाइट करके वहीं के वहीं पकड़ लिया, तो अब ये नहीं हिल सकता ना, उसके ऊपर अब हम आरी चलाएंगे, वरना गोल चीज़ पे आरी चलाओगे तो वो आरी के साथ साथ ऐसे रोल नहीं करेगा, आरी चल पाएगी उसके ऊपर? अगर हम ड्रिल करना चाहेंगे उसके ऊपर तो वो ड्रिल को फिसल के एक तरफ नहीं हो जाएगा, अगर ये सपाट हुआ तब हमें इसको ये वी ब्लॉक बनाना पड़ता है, ये बात समझ में आ रही है? इस वी ब्लॉक के साथ आता है एक यू क्लैंप, जो कास्ट आयरन का भी बना हो सकता है, फोर्ड स्टील का भी बना हो सकता है। अगर बहुत पतले पतले मतलब छोटा बना रहे हैं तो अच्छा है कि आप उसको फोर्ज स्टील का बना दें, कास्ट आयरन पतली चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता, चटक होता है ना, टूट जाता है ज़्यादा लोड पे, वो टूट जाएगा, फोर्ज स्टील में ज़्यादा ताकत होती है। अब एक बार और समझ लीजिए, इसमें बेलनाकार, यहाँ पर अगर आपने रख दिया कोई पाइप ऐसे बेलनाकार, ऊपर से आपने इसके बोल्ट को इसके साथ टाइट कर दिया तो ये फिक्स हो सकता है बेलनाकार, ये तो बात समझ में आ गई। अब समझ लीजिए, ये है कि आयताकार वो कैसे फिट होगा इसमें, वर्गाकार कैसे फिट होगा, वो भी बहुत आसान है। लो, हो गया, क्योंकि आयताकार और वर्गाकार में भी तो 90 डिग्री का कोण होगा ना, वो ऐसे आके रखा जाएगा, ऐसे क्यों रखा जाएगा? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें उसके किनारे पे मशीनिंग करनी हो, मान लीजिए ये आपका कोई पाइप है और आपको इस एज पे आरी चलानी है यहां पर, तो ये तो एज ऊपर होनी चाहिए तभी तो आप ऊपर से आरी चलाएंगे इस पे। कभी कभी हो सकता है यहां पर आपको कोई झिर्री काटनी हो, कोई ड्रिल करना हो, मतलब मान इसको अभी आप ऐसा माने चकोर पाइप है, उस चकोर पाइप के मुझे यहां पर ऑपरेशन करना है तो इसको इसी पोजीशन में होल्ड करना पड़ेगा तभी तो कर पाऊंगा ना, तब मैं इसको वी ब्लॉक के अंदर यहां पर ऐसे फंसा दूंगा और तब करूंगा, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तभी मैंने कहा था कि वर्गाकार हो, स्क्वायर हो या गोल हो, उसको सपोर्ट करने के लिए मशीनिंग के किसी ऑपरेशन में या मार्किंग करने के लिए हम इसकी प्रयोग की हम इसको प्रयोग करते हैं, ये बात समझ में आ रही है बेटा? अगर इसको बेड प्लेट पर रख के प्रयोग करोगे तो लुढ़क नहीं जाएंगे ये चीज़ें, अपनी पोजीशन पर रहना चाहिए ना, तो ये सपोर्टर होल्ड करके रखता है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अब इसके टाइप्स समझ लीजिए, कितने वी आपने बनाई हैं, कितने वी ग्रूव बनाए हैं। अगर सिर्फ टॉप फेस पे वी ग्रूव बना हुआ है उसको हम कहेंगे सिंगल लेवल, सिंगल लेवल। अगर हमने साथ साथ नीचे भी वी ग्रूव बना रखा है तो हम उसको क्या कहेंगे,
डबल लेवल। अब इसके ग्रूव की वजह से भी इसका वर्गीकरण है। अगर एक ग्रूव बना रखा है आपने, अगर आपके वी ब्लॉक में सिर्फ एक ग्रूव है, जैसे इसमें सिर्फ एक ग्रूव का सेट है, मतलब एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, सिंगल सिंगल ग्रूव होगा ना दोनों तरफ। भाई यू क्लैंप से पकड़ने के लिए आपको दोनों तरफ ग्रूव तो बनाना ही पड़ेंगे ना। अगर आपने एक सेट बना रखा है, मतलब ये नीचे वाले नहीं है, ऊपर ऊपर वाले ग्रूव है, तो उसको कहेंगे सिंगल ग्रूव। और अगर आपने दो बना रखे हैं जैसे मेरे डायग्राम में बने हुए हैं, उसको हम कहेंगे डबल ग्रूव। यहां तक कोई दिक्कत है? तो यानी कि आपके अब वी ब्लॉक कैसे कैसे हो सकते हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव भी हो सकता है, एक तरफ वी बना होगा और एक सेट ग्रूव का होगा। सिंगल लेवल डबल ग्रूव भी हो सकता है, एक वी बना होगा और दो दो ग्रूव बने होंगे। डबल लेवल सिंगल ग्रूव भी हो सकता है और डबल लेवल डबल ग्रूव भी हो सकता है। कोई दिक्कत है यहां पर? एक और टाइप रह गया, उसको कहते हैं मैच्ड पेयर। क्या कहते हैं भाई? मैच्ड पेयर। मैच्ड पेयर, दो वी ब्लॉक बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, बिल्कुल एक जैसे, ताकि वो किसी लंबे जॉब को दो अलग अलग जगह पे सपोर्ट कर दें बेड प्लेट पे। अगर वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, हमारा मार्किंग करने में दिक्कत हो जाएगी, हमें सीधी लाइन खींचने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये दोनों भी आप इसको मैच्ड पेयर कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नहीं, ये मैच्ड पेयर नहीं है। आप देखें, आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहे हैं इसके ये ग्रूव, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसको हम मैच्ड पेयर कहेंगे। ऑल राइट, ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव मैच्ड पेयर, ये दोनों एक साथ मशीन हुए हैं ताकि दूर दूर रख के उसके ऊपर कोई हम जॉब को बेड प्लेट पे रखे होंगे, तो बेड प्लेट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम जॉब पे ले सकते हैं, उससे रेफरेंस लेके हम यहाँ पर उठा सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? और इसके लिए जो यू क्लैंप है वो भी इसके साइज का ही आएगा, ये इसका यू क्लैंप है। कोई दिक्कत है? जो भी इसके अंदर जॉब होगा उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सिंगल ग्रूव और डबल ग्रूव के क्या काम है? सिंगल ग्रूव से तो आप समझ गए, उसको पकड़ लिया, ओके। डबल ग्रूव से क्या फायदा होता है? ये एक रेंज में आता है बेटा, ये जो ग्रूव है, ये जो आपका वी ब्लॉक है ना, ये एक रेंज में, मतलब मान लीजिए ये 5 mm से लेके और 50 mm के राउंड के लिए ये बनाया था। आप देखो ना, इस वी ग्रूव में हम बहुत बड़ा पाइप तो रख नहीं सकते ना, इसकी कोई रेंज होगी ना जिस रेंज के लिए बन रहा है। ये वाला अलग रेंज के लिए बन रहा है, इसमें वी, ये बड़ा साइज का है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो क्या होगा, मान लीजिए कोई पतला सा राउंड है, कभी हमें बड़ा पाइप लगाना पड़ रहा है इसकी रेंज के अंदर अंदर का, कभी हमें छोटा पाइप लगाना पड़ रहा है। छोटा पाइप पकड़ना है, उसको नीचे वाले ग्रूव पे डाल दो तो छोटा वाला साइज पकड़ा जाएगा, बड़ा साइज चाहिए तो ऊपर वाले ग्रूव पे डाल दो, तो हमें बार बार इसके बोल्ट को खोलना नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्यों डबल ग्रूव दिए जाते हैं? ताकि चीज़ों को जल्दी किया जा सके। भाई उसी वी ब्लॉक में अगर हमने एक ग्रूव और दे दिया नीचे का, तो वो नीचे आके छोटे वाले को पकड़ लेगा ना, छोटे वाले डायमेंशन को पकड़ लेगा, और ऊपर से वो बड़े वाले डायमेंशन को पकड़ लेगा, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हमें बार बार ये बोल्ट खोलना और बंद करना नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? रही बात इसकी डबल लेवल की, ये डबल वी दे के क्या फ़ायदा है? भाई ये ख़राब तो हो ही जाती होंगे ना सरफेस कभी ना कभी, तो हमारे पास एक सरफेस और है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला वी जो है वो किसी और रेंज का हो, मतलब ये वाला वी जो है आपका, यहाँ पर तो 5 से 50 mm तक के डाय को पकड़ सकते हैं, और यहाँ पर आप 80 से 125 mm डाय के पकड़ सकते हैं। yes, तो ये वी दोनों तरफ अलग अलग साइज की भी बन सकती है, तो तब जाकर यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंस आ जाती है कि डबल लेवल और डबल ग्रूव की क्या इंपॉर्टेंस है। yes, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड। इसके साइज और इसके ग्रेड, इसके दो ग्रेड होते हैं, एक को ग्रेड ए, हमने एंगल प्लेट में कल देखा ग्रेड वन और ग्रेड टू होता है, इसके ग्रेड को ग्रेड ए और ग्रेड बी कहते हैं, बात वही है लगभग, नाम उनके वैसे दे दिए, ग्रेड ए और ग्रेड बी कहते हैं। ये हाई एक्यूरेसी या हाई क्वालिटी आप कह लें, ये थोड़ी उससे कम, बी ग्रेड थोड़ा दोयम दर्जे की, जैसे ईटे होती है ना, एक अव्वल क्वालिटी की एक दोयम क्वालिटी की। इसको बनाने में ज्यादा प्रिसीजन से बनाया गया होगा, उसकी फ्लैटनेस, उसके वी, उसके स्क्वायरनेस को बहुत प्रिसीजन से करा गया होगा, और इसको बनाने में थोड़ी बहुत त्रुटि ज़्यादा आ गई होगी, तो वो ग्रेड बी का हो जाता है। आमतौर पर ग्रेड ए वाला जो है ये वाला, इसको हम हाई क्वालिटी स्टील का बनाते हैं, और आमतौर पर ये 100 mm से छोटे होते हैं। लंबाई में नापा जाता है इसका साइज, इसके दो साइज होते हैं, एक तो लंबाई कितनी है, लंबाई किसको कह रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं लंबाई, इसको नहीं कह रहे हैं लंबाई, वी ग्रूव की लंबाई को कह रहे हैं। तो ये 100 mm से छोटा बनता है ग्रेड ए का,
क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबाई में हमें मशीनिंग करनी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा उसमें त्रुटियाँ, उसकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है। बात समझ आ रही है ना? तो लंबी लंबाइयों के ग्रेड वाले जो हैं वो ग्रेड बी में आते हैं, और इसको हम बनाते हैं कास्ट आयरन का, जिसको हम क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या फाइन ग्रेन कास्ट आयरन कह रहे हैं। ठीक है, ये 300 mm तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइज इसका अप टू 300 mm, ग्रेड इसके ग्रेड ए और ग्रेड बी। ठीक है, अब ये लिखा कैसे जाता है, इसका डेजिग्नेशन, मतलब मार्केट में जाओगे तो स्पेसिफिकेशन कह लो उसको, या डेजिग्नेशन कह लो, या ये कह लो कि मार्केट में जाओगे तो आप क्या कहोगे दुकानदार को, उसको कहते हैं किस तरीके से उसको डेजिग्नेट किया जाता है, मतलब क्या क्या जरूरी है बतानी दुकानदार को। तो एक तो बताना पड़ेगा उसको टाइप, एक उसका बताना पड़ेगा आपको लेंथ, बताना पड़ेगा भाई कितनी लंबाई का, फिर ये बताना पड़ेगा उसका वी ग्रूव कितना बड़ा होगा, मतलब उसमें कितने बड़े से बड़े डायमीटर को आप ले सकते हो, उसको कहते हैं हम रेंज ऑफ डायमीटर। और साथ साथ बताना पड़ेगा ग्रेड, ग्रेड भी तो बताना पड़ेगा, ग्रेड ए वाला चाहिए या ग्रेड बी वाला चाहिए, ग्रेड ए वाला महंगा होगा, ग्रेड बी वाला सस्ता होगा। ठीक है, और साथ में बी आई एस स्टैंडर्ड, बी आई एस स्टैंडर्ड इसका है 2949, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। ठीक है, 75 उसके बाद कॉमा 8 से 63 एट ग्रेड ए 2IS 2949। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन होगी जो आप लेने जा रहे हैं, वो समझ जाएगा दुकानदार कि सिंगल लेवल मतलब एक बी वाला, सिंगल ग्रूव मतलब उसमें एक ग्रूव का सेट होगा, 75 mm वो लंबा होगा, 8 mm से 63 mm के डायमीटर को पकड़ने के लिए उपयुक्त होगा, ग्रेड ए का होगा और इस स्टैंडर्ड पे बना होगा। इसकी सावधानियों के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, सावधानियां, इसको यूज़ करने से पहले साफ करो, यूज़ करने के बाद साफ करो, और ऑयल लगा के रखो, ऑयल लगा के ऐसे रखते हैं ताकि उस पर जंग ना लग जाए। और इसकी एक और महत्वपूर्ण, वो किसी भी होल्डिंग टूल की एक महत्वपूर्ण सावधानी है, जिस साइज़ के लिए वो बना है उस साइज़ के लिए ही उसको प्रयोग करो।